फ्रेंड्स, अक्सर बड़े बड़े शहरों में लोग हर रोज़ की बिजी लाइफस्टाइल से रिलैक्स होने के लिए एक ऐसी जगह में जाना चाहते हैं जहां वो अपने फैमिली के साथ एक क्वालिटी टाइम स्पेंड कर सके। सो इसलिए आज हम इसी टॉपिक से रिलेटेड आपके लिए एक न्यू वीडियो लेके आए हैं। सो हे गाइस, दिस इज सुमी एंड वेलकम बैक टू अवर चैनल दी सुमी ब्लॉग। सो आज हम बात करने वाले हैं बैंगलोर के टॉप 10 रिजॉर्ट्स के बारे में, जो कि आपको बैंगलोर के मेन टाउन से 30-40 किलोमीटर के डिस्टेंस में ही देखने को मिल जाएगा। हमने हमारे अकॉर्डिंग्स बैंगलोर के जो बेस्ट रिजॉर्ट है वो हम आपके लिए चूज किए हैं, जहां आप अपने फैमिली के साथ एक क्वालिटी टाइम स्पेंड कर सकते हो। इस वीडियो में हम सारे रिजॉर्ट्स को 1000 रुपीज से लेकर 6000 रुपीज के प्राइस रेंज में सिलेक्ट किया है। एंड वन मोर थिंग गाइस, हम इस वीडियो में आपको जितने भी रिजॉर्ट्स के प्राइस बताने वाले हैं वो प्राइस हमने वीडियो एडिटिंग के टाइम में ही सिलेक्ट किया था। तो हो सकता है आप जब वीडियो देख रहे हो तो आपको रिजॉर्ट्स के प्राइस थोड़ी बहुत ऊपर नीचे देखने को मिल सकती है। तो चलिए गाइस, बिना टाइम वेस्ट करते हुए वीडियो को फटाफट से शुरू करते हैं। सो गाइज, अगर आप बैंगलोर में वन डे ट्रिप में जाके कहीं ब्यूटीफुल से जगह में स्टे करना चाहते हो तो आप मयूरा पाइन टॉप नंदी हिल्स रिजॉर्ट में अपना रूम बुक कर सकते हो, जो कि आपको 1000-2000 रुपीज के प्राइस रेंज में मिल जाएगा। अगर आप इस टाइम यहाँ रूम बुक करना चाहते हो तो आपको यहाँ रूम 890 रुपीज में ही मिल जाएगा। एंड प्राइस के साथ साथ इस होटल को स्पेशल बनाती है इसके लोकेशन, क्योंकि ये रिजॉर्ट बैंगलोर के बहुत ही फेमस टूरिस्ट प्लेस नंदी हिल्स के टॉप पर ही लोकेटेड है। एंड यहाँ से बैंगलोर के मेन सिटी का डिस्टेंस 57 किलोमीटर पड़ती है। अब अगर इस रिजॉर्ट की बात करें तो यहाँ आपको रूम काफी अच्छी तरह से मेंटेन देखने को मिल जाएगा, जहाँ आपको सारे बेसिक फैसिलिटी प्रोवाइड किया जाता है। साथ ही आपको अटैच बालकनी भी मिल जाता है, जहाँ से आपको बहुत ही अमेजिंग सा व्यू देखने को मिल जाएगा। यहाँ पार्किंग एंड रेस्टोरेंट भी अवेलेबल है और साथ ही यहाँ आपको बार एंड सिटिंग एरिया भी देखने को मिल जाएगा। इस रिजॉर्ट में आउटसाइड फूड पेट्स एंड अनमेड कपल्स अलाउड नहीं है। अब अगर आप बैंगलोर के मेन टाउन से थोड़ा कम डिस्टेंस में रिजॉर्ट बुक करना चाहते हो तो आप चेयरमैन्स रिजॉर्ट में अपना रूम बुक कर सकते हो, जो कि आपको 1000-2000 रुपीज के प्राइस रेंज में ही मिल जाएगा। नाउ रिसेंटली इस रिजॉर्ट का प्राइस आपको 1280 रुपीज देखने को मिल जाएगा। ये रिजॉर्ट बैंगलोर के मेन टाउन से थोड़ी ही दूर कोडिगा हल्ली मेन रोड में स्थित है, जहाँ से मजिस्टिक बस स्टैंड की दूरी 11 किलोमीटर की पड़ती है। अब इस रिजॉर्ट की कंडीशन की बात करें तो यहाँ आपको बहुत बड़ा आउटडोर एरिया मिल जाएगा, जहाँ आपको बहुत सारे आउटडोर एक्टिविटीज देखने को मिल जाएगा और साथ ही यहाँ आपको स्विमिंग पूल, जिम एंड बार जैसे फैसिलिटी भी प्रोवाइड किया जाता है, जो कि इस रिजॉर्ट को और भी स्पेशल बनाती है। यहाँ आपको रूम भी बहुत ही अच्छी तरह से मेंटेन देखने को मिल जाएगा, जहाँ आपको सारे बेसिक फैसिलिटी प्रोवाइड किया जाता है। इस रिजॉर्ट में पार्किंग एंड रेस्टोरेंट भी अवेलेबल है एंड यहाँ आउटसाइड फूड एंड पेट्स अलाउड नहीं है। और अगर आप अनमेरिड कपल्स हो तो आप भी यहाँ स्टे कर सकते हो। सो गाइज, अगर आपका बजट थोड़ा ज़्यादा है तो आप बैंगलोर के बहुत ही फेमस रिजॉर्ट रिमी गेस्ट लाइन रिजॉर्ट में अपना रूम बुक कर सकते हो, जो कि आपको 2000-3000 रुपीज के प्राइस रेंज में मिल जाएगा। नाउ दिस टाइम यहाँ आपको रूम 2000 रुपीज में देखने को मिल जाएगा। ये रिजॉर्ट बैंगलोर के थिरुम्मागोंडा नाहल्ली सर्विस रोड में लोकेटेड है, जहाँ से बैंगलोर के मेन सिटी सेंटर का डिस्टेंस 28 किलोमीटर पड़ती है। अब इस रिजॉर्ट के स्पेशलिटी की बात करें तो यहाँ आपको आउटडोर एरिया में बहुत ही ब्यूटीफुल सा गार्डन देखने को मिल जाएगा, जहाँ आपको स्विमिंग पूल, किड्स के लिए प्ले एरिया, सिटिंग एरिया, गेम हाउस, बार, जिम एंड स्पा ट्रीटमेंट जैसे फैसिलिटी भी देखने को मिल जाएगा। यहाँ आपको रूम भी बहुत ही अच्छी तरह से मेंटेन देखने को मिलेगा, जहाँ आपको सारे लग्जरी फैसिलिटी प्रोवाइड किया जाता है। इस रिजॉर्ट में पार्किंग एंड रेस्टोरेंट भी अवेलेबल है, जहाँ आपको फ्री ब्रेकफास्ट भी ऑफर किया जाता है। यहाँ आउटसाइड फूड एंड पेट्स अलाउड नहीं है, बट इस रिजॉर्ट को अनमेरिड कपल्स भी बुक कर सकते हैं। हमारी लिस्ट के 7 नंबर में आता है फिश्ता रिजॉर्ट एंड इवेंट्स वेन्यू, जो कि आपको 2000-3000 रुपीज़ के प्राइस रेंज में मिल जाएगा। अगर आप रिसेंटली ही यहाँ रूम बुक करना चाहते हो तो आपको यहाँ 2700 रुपीज़ में ही रूम मिल जाएगा। ये रिजॉर्ट बैंगलोर के डेवन्ना हल्ली रोड में स्थित है एंड यहाँ से बैंगलोर के मेन सिटी का डिस्टेंस 30 किलोमीटर पड़ती है। सो अगर आप अपने फैमिली के साथ बेस्ट टाइम स्पेंड करना चाहते हो तो ये रिजॉर्ट आपके लिए बेस्ट ऑप्शन रहेगा। अब इस रिजॉर्ट की स्पेशलिटी की बात करें तो आपको यहाँ आउटडोर एरिया में बहुत ही बड़ा एंड बहुत ही अच्छी तरह से मेंटेन किया हुआ गार्डन देखने को मिल जाएगा, जहाँ आपको स्विमिंग पूल, किड्स के लिए प्ले एरिया, एक बहुत ही खूबसूरत सा सिटिंग एरिया एंड शाम के वक्त बॉनफायर भी देखने को मिल जाएगा। और साथ ही यहाँ आपको बहुत ही अच्छी तरह से मेंटेन किया हुआ रूम भी देखने को मिलेगा, जहाँ आपको सारे लग्जरी फैसिलिटी प्रोवाइड किया जाता है। यहाँ रेस्टोरेंट एंड पार्किंग भी अवेलेबल है एंड इस रिजॉर्ट में आउटसाइड फूड एंड अनमेरिड कपल्स भी अलाउड है, बट यहाँ पेट्स अलाउड नहीं है।
अब अगर आप बेंगलुरु सिटी के अंदर ही एक ब्यूटीफुल सा रिजॉर्ट बुक करने के लिए सोच रहे हो तो आप गोल्ड कॉइंस क्लब्स एंड रिजॉर्ट में अपना रूम बुक कर सकते हो जो कि आपको 2,000 to 3,000 रुपीज़ के प्राइस रेंज में ही मिल जाएगा। नाउ दिस टाइम इस रिजॉर्ट का प्राइस आपको 2,700 रुपीज़ देखने को मिल जाएगा। ये रिजॉर्ट बेंगलुरु की इलेक्ट्रॉनिक सिटी में लोकेटेड है। अब अगर इस रिजॉर्ट की स्पेशलिटी की बात करें तो यहाँ आपको आउटडोर एरिया में बहुत ही बड़ा किड्स के लिए प्ले एरिया देखने को मिल जाएगा जहाँ आपको बच्चों के लिए बहुत ही तरह तरह के एडवेंचर एक्टिविटीज भी देखने को मिल जाएगा। सो अगर आप अपने किड्स के साथ यहाँ विजिट कर रहे हो तो आपके लिए ये बेस्ट ऑप्शन रहेगा। और साथ ही यहाँ आपको स्विमिंग पूल, सिटिंग एरिया, इंडोर गेम हाउस भी देखने को मिल जाएगा। यहाँ आपको रूम भी बहुत ही अच्छी तरह से मेंटेन देखने को मिलेगा जहाँ आपको सारे लग्जरी फैसिलिटी प्रोवाइड किया जाता है। इस रिजॉर्ट में पार्किंग एंड रेस्टोरेंट भी अवेलेबल है और यहाँ आउटसाइड फूड एंड पेट्स अलाउड नहीं है। और अगर आप अनमेरिड कपल्स हो तो आप भी यहाँ अपना रूम बुक कर सकते हो। अब अगर आप बैंगलोर सिटी के शोर शराबे से रिलैक्स होने के लिए कोई पीसफुल जगह में स्टे करने के लिए सोच रहे हो तो आप विंड फ्लावर रिजॉर्ट एंड स्पा में अपना रूम बुक कर सकते हो जो कि आपको 4,000 to 5,000 रुपीज़ के प्राइस रेंज में ही मिल जाएगा। अगर आप रिसेंटली ही यहाँ अपना रूम बुक करते हो तो आपको यहाँ रूम 4,200 रुपीज़ में ही मिल जाएगा। ये रिजॉर्ट बैंगलोर की सिटी से थोड़ी दूर क्रेशेंट रोड में स्थित है। अब अगर इस रिसॉर्ट की स्पेशलिटी की बात करें तो यहाँ आपको बहुत बड़ा आउटडोर एरिया मिल जाएगा जहाँ आपको बहुत सारे एडवेंचर एक्टिविटीज़, गो कार्टिंग फैसिलिटी, किड्स के लिए प्ले एरिया, स्विमिंग पूल, मेडिकल सेंटर एंड स्पा ट्रीटमेंट जैसे सारे लग्जरी फैसिलिटी देखने को मिल जाएगा। अब अगर इस रिजॉर्ट के रूम की कंडीशन की बात करें तो आपको यहाँ रूम बहुत ही अच्छी तरह से डेकोरेटेड किया हुआ देखने को मिलेगा जहाँ आपको कम्फर्टेबल एंड कोजी वाला फील आएगा। यहाँ पार्किंग एंड रेस्टोरेंट भी अवेलेबल है एंड इस रिजॉर्ट में आउटसाइड फूड एंड पेट्स अलाउड नहीं है। और अगर आप अनमेरिड कपल्स हो तो आप यहाँ स्टे कर सकते हो। हमारी लिस्ट के नंबर 4 में आता है एमजे अविन्या रिजॉर्ट जो कि बैंगलोर में बहुत ही पॉपुलर रिजॉर्ट में से एक है। ये रिजॉर्ट आपको 4,000 to 5,000 रुपीज़ के प्राइस रेंज में ही देखने को मिल जाएगा। ना दिस टाइम इस रिजॉर्ट का प्राइस आपको 4,800 रुपीज़ देखने को मिलेगा। ये रिजॉर्ट बैंगलोर सिटी से थोड़ी ही दूर जिगानी एनिकल रोड में स्थित है। अब इस रिजॉर्ट के बारे में बात करें तो इस रिजॉर्ट को स्पेशल बनाती है इसकी यूनिक सा स्ट्रक्चर क्योंकि इस रिजॉर्ट को एक केव के थीम में बनाया गया है। यहाँ आपको एक बड़ा सा स्विमिंग पूल मिल जाएगा जहाँ आपको वाटरफॉल्स भी देखने को मिल जाएगा। इस रिजॉर्ट में रेस्टोरेंट भी आपको रॉक्स के ऊपर में ही देखने को मिलेगा जो कि इस रिजॉर्ट को और भी स्पेशल बनाती है। अब अगर रूम की कंडीशन की बात करें तो यहाँ आपको रूम में सारे लग्जरी फैसिलिटी प्रोवाइड किया जाता है एंड रूम की कंडीशन भी आपको बहुत ही अच्छी तरह से मेंटेन देखने को मिल जाएगा। इस रिजॉर्ट के आउटडोर एरिया में आपको किड्स के लिए प्ले एरिया, सिटिंग एरिया, पिकनिक एरिया, जिम, इंडोर गेम हाउस एंड स्पा ट्रीटमेंट जैसे फैसिलिटी भी देखने को मिल जाएगा। यहाँ पार्किंग भी अवेलेबल है और इस रिजॉर्ट में आउटसाइड फूड एंड पेट्स अलाउड नहीं है बट यहाँ अनमेड कपल्स स्टे कर सकते हैं। अब अगर आप नेचर लवर हो और आप नेचर के बीच में स्टे करना पसंद करते हो तो आप फैंटेसी गोल्फ रिजॉर्ट में अपना वन डे ट्रिप के लिए रूम बुक कर सकते हो जो कि आपको 4,000 to 5,000 रुपीज़ के प्राइस रेंज में ही मिल जाएगा। नाउ दिस टाइम इस रिजॉर्ट का प्राइस आपको 4,160 रुपीज़ देखने को मिल जाएगा। ये रिजॉर्ट बैंगलोर सिटी सेंटर से 21 किलोमीटर्स के डिस्टेंस में लोकेटेड है। अब अगर इस रिजॉर्ट की स्पेशलिटी की बात करें तो ये रिजॉर्ट गोल्फ के लिए बैंगलोर में काफ़ी पॉपुलर है तो अगर आप गोल्फ में इंटरेस्टेड हो तो आप यहाँ ज़रूर विजिट कर सकते हो। और गोल्फ के साथ आपको यहाँ एक ब्यूटीफुल सा गार्डन, स्विमिंग पूल, किड्स के लिए प्ले एरिया, इंडोर गेम हाउस, एक्वेरियम, लाइब्रेरी, बार एंड बॉनफायर जैसी फैसिलिटी भी देखने को मिल जाएगा। यहाँ आपको रूम के कंडीशन भी काफ़ी वेल मेंटेन देखने को मिलेगा जहाँ आपको सारे लग्जरी फैसिलिटी प्रोवाइड किया जाता है। यहाँ रेस्टोरेंट एंड पार्किंग भी अवेलेबल है एंड इस रिजॉर्ट में आउटसाइड फूड एंड पेट्स अलाउड नहीं है बट इस रिजॉर्ट को अनमेरिड कपल्स भी बुक कर सकते हैं। सो गाइज, अगर आप बैंगलोर शहर में एक ब्यूटीफुल सा विलेज लाइफ को एक्सप्लोर करने के लिए सोच रहे हो विथ लग्जरी फैसिलिटी सो आप आवर नेटिव विलेज रिजॉर्ट में अपना रूम बुक कर सकते हो जो कि आपको 5,000 to 6,000 रुपीज़ के प्राइस रेंज में ही देखने को मिल जाएगा। अगर आप इस टाइम यहाँ रूम बुक करते हो तो आपको यहाँ रूम 5,600 रुपीज़ में ही देखने को मिल जाएगा। ये रिजॉर्ट बैंगलोर सिटी सेंटर से 40 किलोमीटर के डिस्टेंस में लोकेटेड है। अब अगर इस रिजॉर्ट के बारे में बात करें तो यहाँ आपको बहुत बड़ा आउटडोर एरिया मिल जाएगा जहाँ आपको चारों ओर ग्रीनरी ही देखने को मिल जाएगा।
और साथ ही यहाँ आपको स्विमिंग पूल, किड्स के लिए प्ले एरिया, आउटडोर स्पॉट, इंडोर गेम हाउस, सिटिंग एरिया, स्पा ट्रीटमेंट, योगा क्लास एंड बॉनफायर जैसे लग्जरी फैसिलिटी भी देखने को मिल जाएगा। यहाँ के रूम के कंडीशन भी आपको बहुत ही अच्छी तरह से मेंटेन देखने को मिलेगा, जहाँ आपको सारी लग्जरी फैसिलिटी प्रोवाइड किया जाता है। आपको यहाँ पार्किंग एंड रेस्टोरेंट भी मिल जाता है, जहाँ आपको फ्री ब्रेकफास्ट भी ऑफर किया जाता है। इस रिजॉर्ट में आउटसाइड फूड एंड पेट्स अलाउड नहीं है, और अगर आप अनमैरिड कपल हो तो आपके लिए ये रिजॉर्ट बेस्ट ऑप्शन रहेगा। हमारी लिस्ट के लास्ट नंबर वन में आता है गुहांतरा एंड अंडरग्राउंड रिजॉर्ट, जो कि आपको 5000 टू 6000 रुपीज के प्राइस रेंज में ही मिल जाएगा। नाउ दिस टाइम यहां आपको रूम का प्राइस 5500 रुपीज देखने को मिल जाएगा। ये रिजॉर्ट बैंगलोर के मेन सिटी सेंटर से 30 किलोमीटर दूर ऑफ कनकापुरम में स्थित है। अब अगर इस रिजॉर्ट की स्पेशलिटी की बात करें तो ये रिजॉर्ट इंडिया के फर्स्ट अंडरग्राउंड रिजॉर्ट है। सो अगर आप अपने वीकेंड ट्रिप को और भी खास बनाना चाहते हो तो आप यहाँ डेफिनेटली ही विजिट कर सकते हो। यहाँ आपको पूरे रिजॉर्ट अंडरग्राउंड एरिया में ही देखने को मिलेगा, जहाँ आपको नेचर ब्यूटी के साथ साथ सारे लग्जरी फैसिलिटी भी देखने को मिल जाएगा। यहाँ के रूम्स भी आपको कैब्स के अंदर में ही देखने को मिलेगा, जहाँ आपको सारे फैसिलिटी प्रोवाइड किया जाता है। और साथ ही यहाँ आपको आउटडोर एरिया में नेचुरल स्विमिंग पूल वाटरफॉल्स के साथ देखने को मिल जाएगा। यहाँ एडवेंचर एक्टिविटीज लाइक जिप लाइनिंग, हॉर्स राइडिंग, पेंट बॉल, रेन डिस्को, बार, स्पा ट्रीटमेंट एंड बॉनफायर जैसे फैसिलिटी भी प्रोवाइड किया जाता है। इस रिजॉर्ट में पार्किंग एंड रेस्टोरेंट भी अवेलेबल है, एंड यहाँ आउटसाइड फूड एंड पेट्स अलाउड नहीं है, बट इस रिजॉर्ट को अनमैरिड कपल्स भी बुक कर सकते हैं। सो गाइज, अगर आप इनमें से किसी भी रिजॉर्ट्स को बुक करना चाहते हो तो आप ऑनलाइन किसी भी प्लेटफॉर्म से बुक कर सकते हो, जहां आपको बेस्ट डिस्काउंट मिल रहा हो, एंड जो बेस्ट बुकिंग लिंक रहेगा वो हम अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर देंगे। सो आई होप आपके लिए हमारी ये वीडियो यूजफुल रही होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक कर देना एंड हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि हम इसी तरह होटल इन्फॉर्मेशन वीडियो के साथ साथ फुल टूर गाइड वाले वीडियो भी अपलोड करते रहते हैं। हमने ऑलरेडी हमारे चैनल में ऊटी, कूर्ग एंड पांडिचेरी जैसे जगहों के फुल टूर गाइड वाले वीडियो अपलोड किया हुआ है, तो आप चाहो तो आप हमारे प्लेलिस्ट में जाकर इन वीडियो को चेक कर सकते हो। सो सी यू गाइस इन नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय एंड टेक केयर।